नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के नए मिसाइल लॉन्चेस के बारे में। दरअसल में हॉसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया कुछ और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ, और वह जाके गिरे थे पहुँचे जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास। किम जोंग ऑन के सिस्टर ने वॉर्न किया है दरअसल में US फोर्सेज को कि वह मिलिट्री ड्रिल्स और जो अदर एक्सरसाइजेज हैं उन्हें रोक दें, नहीं तो पैसिफिक फायरिंग रेंज में तब्दील किया जा सकता है उनके द्वारा। रीज़न था जो लॉन्च का, वह यह था कि साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट सिमुलेटेड न्यूक्लियर टेबल टॉप एक्सरसाइज कुछ समय में कंडक्ट करने वाले हैं और कुछ फील्ड ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं मार्च में। तो इसी को देखते हुए US और साउथ कोरिया को काउंटर कर सकती है नॉर्थ कोरिया, इसी को दर्शाने के लिए शायद उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इवन UN स्पोक्समैन स्टीफन ने ये भी कहा है कि प्योंगयांग को सीज कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए फर्दर प्रोवोकेटिव एक्शंस को, जैसा कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। और यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि जो ये लॉन्चेस किए जा रहे हैं उसके कारण अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट का जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट भी हुआ हो सकता है, जिसके कारण जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वह यदि जापान, चाइना या साउथ कोरिया के लोग कंज्यूम करते हैं तो उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। US और जापान ने कुछ समय पहले जॉइंट एयर एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी थी जापान सी के पास, और साउथ कोरिया ने ये जब लॉन्चेस किए गए नॉर्थ कोरिया के द्वारा प्रोवोकेटिव एक्शंस लिए गए तो उसके बाद उन्होंने कुछ सैंक्शंस भी लगा दिए हैं कुछ कंपनीज पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ना भूलिएगा।